फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, जो आप व्हील देख रहे हो, जिसको मैं शो कर रहा हूँ, वो एक्चुअली मैं स्कूटी पेप का व्हील मॉडिफिकेशन किया हूँ। और छोटा सा एक क्लिप आप ऊपर देख पा रहे हो, और एक छोटा सा व्हील है, वो एक्चुअली उसका ओरिजिनल व्हील है, लेकिन मैंने इसको मॉडिफिकेशन किया है। और कैसे किया है आप मेरा पूरा वीडियो को देखिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। ये व्हील क्या है, बहुत छोटा है देखने में और बहुत महंगा है। ये कम से कम 3200-3500 रुपये का आता है ट्यूब टायर के साथ। और इसका माइनस पॉइंट क्या है व्हील का, ये व्हील का ये ऐसे बबल छूट जाता है अंदर से, और यहाँ से फिर चलाते चलाते ये कट जाता है। तो इसलिए मैंने ये व्हील्स जो है, आप दिखाई दे रहा है इसमें, ये जो रिम दिखाई दे रहा है, ये रिम से मैं निकाल दिया हूँ, इसको रिम से निकाल दिया हूँ। अभी मैंने आईडी का सिस्टम और स्कूटी पेप का जो रिम है, इसमें इसको सेट करेंगे और इसके ऊपर टायर चढ़ाएंगे। तो चलिए इसको फटाफट हम खोल देते हैं, खोल के इसका मैंने यहाँ पूरा हब को खोल दिया है। आपके सामने हब दिखा रहा है, यही मोटर है, ये हब है। और मैंने अमेजोन से एक 6 mm का, यानी कि 6 इंच बाई 6 इंच का एक एल्यूमिनियम सीट मंगाया हूँ, आप देख पा रहे होंगे। और इसे हम 4 पीस बनाएंगे, 4 पीस करेंगे इक्वल साइज़ का, और 4 पीस करके और रिम का और हब का बीच में जो स्पोक लगेगा, स्पोक सिस्टम बनाएंगे, जैसे एलो व्हील लगता है इसी। मैं अभी यहाँ एक कार्डबोर्ड से इसका मेजरमेंट लूँगा। ये देखिए, इसी प्रकार से अपना जो ये एल्यूमिनियम सीट है वो आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि मैं 4 पीस करने के लिए, 4 पीस बनाने के लिए मार्किंग कर दिया हूँ। ये बहुत मुश्किल है काटना, क्योंकि 6 mm का आप आयरन सीट काट सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम सीट ग्राइंडर में काटना बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये काम को मैंने, मेरा ड्यूटी अकॉर्डिंग मैंने ये काम को कम से कम मुझे 2 महीना लग गया, धीरे धीरे किया मैंने। ड्यूटी के बाद जो समय बचता है वो करता था। यहाँ देखिए, 4 पीस बन गया, तो 3 पीस का काम है, क्योंकि वो जो स्कूटी पेप का ऑब्जेक्ट है इसमें 3 है। फिर इसको मैंने यू टाइप शेप दिया, क्योंकि वो यू टाइप शेप दे के कटिंग करने से रिम का जो एलो व्हील, सॉरी जो ड्रम व्हील व्हील है, इसमें स्लाइड हो जाएगा। और यहाँ मैं जी क्लैंप में इसे टाइट कर दिया। ये सब खरीदना पड़ता है, जैसे काम का नीडेड होता है तो आइटम का भी ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ ग्राइंडर में मैंने क्या किया, एक एक पार्ट पार्ट करके काट दिया, जो मैं मार्किंग किया हूँ यू शेप में। और यू शेप जो है और रिम के अंदर आ जाएगा स्लाइड होके। और ये काटना बहुत मुश्किल रहा, देख पा रहे होंगे कैसे काटा हूँ मैंने। और इसके बाद जो भी ग्राइंडर में मेरा हो रहा है कटिंग, में इसको काट देता हूँ। और फिनिशिंग के लिए मैं एक्चुअली एक फ्लैट वाला एड यू शेप वाला लाया हूँ फाइल, देख पा रहे हैं फाइल। और ये फाइल से मैं इसका फिनिशिंग दूंगा। इसमें मुझे काफ़ी मेहनत लगा है ये काम को करने के लिए। सोचा नहीं था कि ये काम सक्सेस हो जाएगा, लेकिन फाइनली ये काम सक्सेस हो ही गया। आप इससे पहले वीडियो में देखा होगे। ये देखिए, यू शेप में मैंने 3 काट लिया। और काटने के बाद हम जो ड्रम व्हील है उसका स्लाइड में फंसा के मार्किंग करेंगे। और यहाँ एक एक ऑब्जेक्ट में 3-3 नट बोल्ट कसेंगे, तो इसके लिए ये हब में होल करना पड़ेगा बाय ड्रिल से। मैं इसको होल कर दिया।
मैंने होल करने के बाद इसका बोथ साइड होल करना पड़ेगा। अभी सिंगल साइड हुआ है तो और एक साइड का ऑपोजिट साइड का मार्किंग ले रहा हूँ। और देखिए यहाँ दोनों साइड होल हो गया है और एक एक ऑब्जेक्ट में तीन तीन नट बोल्ट लगेगा। ये दूसरा, ये अभी जो सीट है इसको मार्किंग किया, सीट को भी होल करूँगा, होल कर रहा हूँ अभी, देख पा रहे होंगे आप वीडियो में साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। और अभी मेरे पास तीनों होल हो गया है और होल होने के बाद हम ड्रम व्हील के ऊपर स्लाइड के अंदर सेट करके नट बोल्ट कस देते हैं। जैसे ये नट बोल्ट चारों तरफ कस जाएगा फिर ऊपर का जो थ्रेड है इसका यू शेप, फिर ऑपोजिट साइड यू शेप बनाना पड़ेगा, तभी जाके जो स्कूटी पेप का रिम है वो तीनों ऑब्जेक्ट में ये आराम से आ जाएगा। ये देखिए मैंने तीनों जो कि रेडी कर दिया है यू शेप में, ऊपर की तरफ एन शेप और अंदर की तरफ यू शेप बना दिया हूँ। और अभी ड्रम व्हील में इसको सेट करेंगे नट बोल्ट लगा के। एक एक ऑब्जेक्ट में तीन तीन नट बोल्ट लगता है और नट बोल्ट इसी प्रकार लगाया है। एक जो बोल्ट है, एक जो नट है, नट के ऊपर चार चार आता है। और इसमें मेजरमेंट दे देता हूँ स्केल में, कितना किया ज़्यादा कम है। ये देखिए सेट कर दिया मैंने, एकदम सेट हो गया। और अभी क्या करेंगे, जो मेन है स्कूटी पेप का जो तीनों ऑब्जेक्ट है उसमें तीन होल है बड़ा वाला, कम से कम मान के चलो 12 mm का, 12 mm का होल है। तो हम तीन होल कर देते हैं। होल करने के बाद फिर रिम में सेट करेंगे ये पूरा पार्ट को। रिम में सेट करने के बाद इसको टेस्ट लेंगे ये कैसे घूम रहा है क्या है। अभी मैंने एम सील दे रहा हूँ, जो भी जहाँ थोड़ा बहुत मेजरमेंट गलत होगा एम सील में वो बराबर हो जाएगा, एम सील अपना सूख जाएगा। ये देखिए मैंने कस लिया और ये काम बहुत मुझे भारी पड़ा है ये काम, क्योंकि करने से पहले सोच रहा था होगा कि नहीं, और अभी पूरा फाइनली हो गया। तो मैं जी क्लैंप में, कहीं तो ऑब्जेक्ट है नहीं तो चारपाई में लगा के मैंने इसको ट्रायल कर रहा हूँ, घूम रहा है कि नहीं, कहीं बबलिंग कर रहा है कि नहीं, कैसा स्पीड है। अभी थ्रोटल मेरे पास हैंडल में है और ये लगाया हूँ, एकदम ठीक ठाक घूम रहा है, रफ्तार भी सही है स्पीड इसका। इसके बाद हम इसमें टायर लगाएंगे, टायर भी लगा दिया, पुराना टायर 500 rupees में आ गया, टायर वाला के साथ बात करके टायर भी लगा दिया। और जो मैंने नट कसा था मैंने टाइट किया था, वो कहीं खोल ना जाए इसलिए एरेल डाइट को नट के साइड में यहाँ लगा रहा हूँ मैंने, ताकि हो सकता है घूमते घूमते ये नट कहीं लूज ना हो जाए, इसलिए एक टाइप स्टॉपर का काम करेगा ये। इसलिए मैंने ये जैसे एरेल डाइट लगा दिया एक थ्रेड में और प्लस उसके ऊपर डबल नट कस लिया, डबल नट टाइट कर दिया। ये देखिए मैंने नट टाइट कर दिया, कुछ नट जो है सेट नहीं हो रहा है तो चेंज करके फिर दूसरा नट लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पूरा फोटो में देख पा रहे हैं एक एक नट में तीन तीन। तो फाइनली मैंने व्हील को लगा दिया अपना न्यू फ्रेम में, छोटा वाला फ्रेम था ये बड़ा वाला फ्रेम है, अलग से इसको वेल्डिंग करके बनाया। तो किसी किसी जगह पे क्या हो रहा है, ये बबलिंग हो रहा है, ये जो दोनों व्हाइट टैग लगाया हूँ इसमें सट रहा है, यानी कि एक टाइप का आप चलाने से बबलिंग होगा और जंप होगा। तो ये व्हील में कम से कम 60% हिस्सा ये क्या हो रहा है, जंप हो रहा है। तो इसलिए इसका मार्किंग लगा रहा हूँ, उसको सीट फाइल करके अगर डालेंगे थोड़ा बहुत तो हो सकता है कि बबलिंग ना हो। तो चलिए इसको फटाफट खोलते हैं। तो इसको खोल के जहाँ जहाँ थोड़ा ज्यादा ऑब्जेक्ट है उसको फाइल में घिसाई करके फिर से डाल देंगे। ये देखिए फाइनली जो है
ये रेडी हो गया है। कुछ वीडियो मैंने काट लिया, बहुत लंबा चल रहा है इसलिए, और फाइनली यहाँ रेडी हो गया है, रोड में लेके भी आ गया है ट्रायल के लिए। तो पहले चाबी ऑन करके घूम रहा है, एक बार ट्रायल करते हैं। मैं इसको राइड करने जा रहा हूँ और आप भी, ये व्हील चेंज करने के बाद जो मैं अभी राइड करके जो फील कर रहा हूँ, काफ़ी बेटर देन है बिफोर, और चलाने में बहुत स्मूथ लग रहा है और काफ़ी बैलेंसिंग है चलाने में, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है और एकदम मज़ा आ रहा है चलाने में। और सभी व्यूअर्स को रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू।